हाय एवरीवन, वीडियो में आपको स्वागत है। आज की वीडियो में आपको कट बार सिलाब कट डिजाइनिंग कैसे होता है उसके बारे में कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूँ फ्रेंड। तो सबसे पहले फ्रेंड आपको आगाह करना चाहूँगा कि मैं बिल्डिंग लाइन से कनेक्टेड हूँ, यानी कि बिल्डिंग लाइन से ही काम करता करवाता रहता हूँ। ठीक है फ्रेंड, तो बिल्डिंग लाइन से जो भी काम होता है, कटिंग बेंडिंग स्टील से रिलेटेड जो भी काम होता है, सारा डिटेल आपको एक्सप्लेन करता रहूँगा फ्रेंड। ठीक है, हर वीडियो में पार्ट बाय पार्ट करके आपको एक से एक वीडियो मिलता रहेगा, वीकली मिलता रहेगा और कभी कभी दो तीन भी वीडियो मिलते रहेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो उसके हिसाब से आप देखते जाइए। और विशेष जो है बिल्डिंग लाइन में काम करते हैं उनके लिए ये जरूरी चीज़ है। ठीक है, नॉलेज को रखना जरूरी है ना। तो हम भी जो है फ्रेंड की इस लाइन में काम करते करते सारा एक्सपीरियंस हुआ है और काम करवाता हूँ, प्रैक्टिकली थ्योरिकली दोनों रूप से हम काम करवाते हैं, ड्राइंग के साथ काम करवाता हूँ। ठीक है, तो सारा नॉलेज रखा हूँ फ्रेंड और इंजीनियर के साथ कोई कमी नहीं है। ठीक है, यानी सारा इंजीनियर के हिसाब से सारा डिटेल आपको बताएंगे और समझाएंगे। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड आज के वीडियो में आप देखिए टिपिकल लॉन्ग सेक्शन ऑफ है सिलाब, सिलाब का सेक्शन है। ठीक है, इसमें देख पा रहे हैं आप कि कॉलम तीन ठो है, देख पा रहे हैं, एक दो और एक तीन। ठीक है फ्रेंड, तीन ठो कॉलम है और इस कॉलम में देखिए जो बॉटम कटमेंट कटलमेंट बार जो होता है ना, कट बार जो होता है उसका सेक्शन आपको दिखाना चाहेंगे किस टाइप से लगता है सरिया। सो तो सबसे पहले फ्रेंड आप यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए, देखिए सबसे पहले आप स्पान के बारे में जानिए, है ना, स्पान बार के बारे में जानिए। देखिए यहाँ पे ये मान के चलिए सिलाप है ना, ये दोनों सिलाप है और इसमें देखिए इफेक्ट स्पान, देखिए बीम सेंटर टू सेंटर को इफेक्ट स्पान बोलते हैं और बीम फेस टू बोलते हैं क्लियर स्पान। ठीक है, तो जब भी मेजरमेंट करना है कट बार सिलाप हो या जो भी हो उसके उसमें जब भी मेजरमेंट करना है, कैलकुलेट करना है, तो इफेक्ट स्पान का फॉलो करना है। ठीक है, तो इसमें देखिए हमने लिखा है कि अंदर अंदर क्लियर स्पान मेरा 5 मीटर है, यानी कि 5 5 mm का मतलब 5 मीटर हुआ। ठीक है, और शॉर्टर डायरेक्शन में देखिए 4 मीटर है, यानी 4000 mm। ठीक है, तो इफेक्ट स्पैन इधर हो गया साइड, इधर लास्ट बीम है, इधर भी लास्ट बीम है। ठीक है, तो इसमें देखिए कट बार सिलाब कैसे होता है, देखिए यहाँ देखिए एक तो सरिया थ्रू जा रहा है, देख पा रहे हैं आप, पूरा एक थ्रू जा रहा है और एक सरिया बीच में कट करके रह जा रहा है, यानी कि दोनों बीम के साइड से कट रहा है ना, यानी कि इनर साइड से भी कट रहा है या आउटर साइड से भी कट रहा है ना, यानी बीच में कट करके रह जाता है, यानी कि इसी तरह से अल्टरनेट लगता जाता है ना, एक ठो बड़ा एक ठो छोटा, एक ठो बड़ा एक छोटा, यानी कि फुल थ्रू जाएगा और एक ठो कट हो जाएगा, उसी टाइप से लगता गया है ना। तो छोटा डायरेक्शन और लॉन्गर डायरेक्शन सेम नियम है, तो सबसे पहले हम लोग शॉर्ट डायरेक्शन को भी बिछाते हैं, उसके बाद सेकेंड डिस्ट्रीब्यूशन आता है। ठीक है, यानी कि लॉन्गर डायरेक्शन आता है। ठीक है, तो देखिए अंदर साइड से क्या लेना है इफेक्ट स्पान का, जिसको L1 मानते हैं हम लोग, L1 कहते हैं। ठीक है, तो L1 को इनर साइड से 0.25 लेना है। ठीक है, और आउट साइड से L1 का 0.15। ठीक है, और इनर साइड से 0.25। ठीक है,